हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। एक्सेस के अंदर सब फॉर्म को बना करके रिलेशनशिप क्रिएट करा करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना है जिसमें कि हम स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पर रिपोर्ट जनरेट करें। तो ये कैसे होगा ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 मैं यूज कर रहा हूँ। आपके पास अगर कोई भी वर्जन है तो उसको यूज कर सकते हैं। शर्त ये है कि अगर 2007, 10 या 13 अगर आपके पास होगा तो उसमें आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी। अगर 16 या 16 से अबव वर्जन है तो उसमें क्वेरी आप नहीं बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा कैलकुलेट करने के पर्पज से, ठीक है। अदरवाइज तो आपको क्वेरी बनानी ही बनानी है, ठीक है। इसमें भी आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से आपको छूट मिल जाएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना, और क्रिएट पे क्लिक करके यहां से पहला हमें अपना टेबल बना लेना है, ठीक है। तो ये जो टेबल है वो रजिस्ट्रेशन की टेबल होगी, और यहां पे मैं लिख भी देता हूं रजिस्ट्रेशन टेबल, TABLE, ये हो गया रजिस्ट्रेशन टेबल, एंटर कर दिया। अब यहां पर ये प्राइमरी की है, ठीक है, देख सकते हैं ये प्राइमरी की है। और ये जो है ना, यहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी कर देंगे रजिस्ट्रेशन _ID, ठीक है। और यहाँ पर ऑटो नंबर रख दिया है, और बाकी यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट आप कर सकते हैं या कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी को तो प्राइमरी की बना दिया हमने, तो यहाँ पर और क्या क्या चीजें दी जा सकती हैं, जैसे आप क्लास का नेम दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्लास कर देते हैं। और यहाँ पे क्लास के लिए हम ड्रॉप डाउन बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ये नंबर न करके हम क्या करेंगे, लुकअप विजार्ड से जाएंगे और यहाँ पे आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वॉन्ट पे जा करके, और यहाँ पे क्लास टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पे 12 कर दिया, 11 कर दिया, 10 कर दिया, 9 कर दिया, तो ये क्लास का नाम हो जाएगा। और फिर यहाँ से नेक्स्ट करके यहाँ से फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये एक टेबल बन गई रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आईडी तो अपने आप आएगी, लेकिन क्लास भी यहाँ पर अपने आप ही आएगा, हमें केवल सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखेगी, तो जो भी यहाँ क्लास है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। देख सकते हैं ये यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको क्लोज करना है, सेव करके यस कर दीजिएगा और क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करके यहां से बनाइएगा, क्रिएट पे जाइएगा, और क्रिएट पे जाके और फिर क्या करना है आपको, टेबल पे जाना है और दूसरी टेबल आपको बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की टेबल, स्टूडेंट टी कर देते हैं, स्टूडेंट टी, तो ये स्टूडेंट की टेबल है, और स्टूडेंट टी क्या बल्कि आर कर देते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी इसमें फिल रहेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे, तो ये रोल नंबर हो जाएगा, ये रोल नंबर हो गया, देख सकते हैं ये रोल नंबर। आप किसी और भी चीज को प्राइमरी की यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कर दिया है रोल नंबर। और इसको हमने क्या रखा है, इसको शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं। और आगे नीचे आते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन और _ लगा के आईडी, तो ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आईडी। और रजिस्ट्रेशन आईडी कौन सा डेटा टाइप होगा, तो इसे कर देंगे हम नंबर डेटा टाइप, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया नेम _ of_students, तो ये हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब नेम ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा टाइप जो है टेक्स्ट रहेगा। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चाहे तो सब्जेक्ट की डिटेल डाल सकते हैं, फिलहाल हम दो ही टेबल को रखने वाले हैं, ठीक है। तीसरी टेबल के लिए हम अलग, तीसरे के लिए एक अलग टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे रोल नंबर की बारी आएगी, तो रोल नंबर मान लीजिए 1 हो जाए किसी का, और उसी का रजिस्ट्रेशन आईडी क्या हो, 1 हो, ठीक है। और उस स्टूडेंट का नाम क्या हो, उस स्टूडेंट का नाम हो राम, ठीक है। फिर यहाँ पे रोल नंबर क्या हो जाए, रोल नंबर यहाँ पर भी अगर हम 1 रख देते हैं तो ये तो रिपीटेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ 2 रखेंगे, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी 2 रखेंगे, और 2 रख करके और यहाँ पे नाम दे देंगे, जैसे हिना दे दिया एक नाम, ठीक है। 3 कर देंगे तो 3 करके यहाँ पे 3 दे देंगे, और यहाँ पर अगला नाम श्याम दे देते हैं, ये श्याम हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं तो अगला नाम रीता कर देते हैं, ये रीता हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 कर देंगे, और यहाँ पर आके रीता करेंगे RETA, तो ये हो गया रीता। अब इसको क्लोज करेंगे और इसमें रिलेशनशिप बिल्ड कराएंगे, तो रिलेशनशिप तो बिल्ड कराना बड़ा आसान है, आप सीधा सीधा डेटाबेस टूल्स पे जाके रिलेशनशिप बिल्ड करा सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले हमें क्या करना है, हमें इसका यूनिट टेस्ट 1 का रिजल्ट बनाना है, तो ये लिखा यूनिट _test1, ये लिख करके एंटर कर दीजिए। और यहाँ पर आईडी आ रही है, तो आप चाहे तो रिलेशनशिप के लिए इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चलिए इसमें आईडी ही रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आर वाली टेबल में रोल नंबर दिया है, तो इसमें भी रोल नंबर वाला फील्ड तो कॉमन होना ही चाहिए। तो यहां से जाकर के पहले तो हम यहाँ पे कर देते हैं रोल नंबर, क्या कर देंगे, आर ओ डबल एल और अंडरस्कोर नंबर, तो ये हो जाएगा रोल नंबर। और रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, तो यहाँ पर जो डेटा टाइप रखा है वही सेम डेटा टाइप हमें यहाँ भी रखना होगा। तो रोल नंबर का डेटा टाइप है शॉर्ट टेक्स्ट, तो हमें भी वही रखना ही होगा, ठीक है, दूसरा कोई इलाज नहीं है इसका। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, रोल नंबर को क्या करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पढ़ रहा है ये बच्चा, जैसे कंप्यूटर कर दिया, इंग्लिश कर दिया, मैथ्स कर दिया, और भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, तो मैं फिलहाल तो तीन ही लेता हूँ, और इसी पे मैं करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे करेंगे। और यहाँ पे टोटल, देन यहाँ पर एवरेज, एवरेज भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया। और एवरेज लिखने के बाद क्या करना है, इन सबको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये आते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट को बनाना है नंबर, फिर यहाँ इंग्लिश में भी वो मार्क्स ही पाएगा, तो यहाँ पर भी नंबर बनाना है, फिर यहाँ पर भी नंबर ही बना लेना है, और बना करके इसको बनाना है क्या, कैलकुलेटेड डेटा टाइप, और कैलकुलेटेड ले करके यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर रहा, ठीक है, सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हैं आप, लेकिन स्पेलिंग कैपिटल और स्मॉल का बहुत ध्यान देके लिखिएगा, ठीक है। इंग्लिश हो गया, ठीक है, सीक्वेंस इधर उधर करने का मतलब कि हिंदी के बाद इंग्लिश आया है और फिर मैथ्स आया है, तो आप इसका इधर उधर कर सकते हैं, पहले इंग्लिश लिख सकते हैं, फिर मैथ्स लिख सकते हैं, फिर आप कंप्यूटर लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने जैसे था वैसे ही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ओके कर दीजिएगा, ओके कर दिया तो ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो फिर यहाँ पर भी कैलकुलेटेड लेना है, और चूंकि टोटल में हमारा छिपा होगा क्या, एवरेज, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, और यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई कितने से, थ्री से, क्योंकि थ्री ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, देखिए ये कितने सब्जेक्ट हुए, वन टू थ्री, तो थ्री से इसीलिए डिवाइड करके ओके कर दिया। अब ये काम हो गया है, यहाँ से ओके करिए और यहाँ से यस करिए। तो रोल नंबर तो हमारा यहाँ पे आएगा वन, ठीक है, वन आएगा, आप टू भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स आएंगे आउट ऑफ हंड्रेड, तो जो भी मार्क्स आए हैं उनको यहाँ पे आपको एंटर करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए मार्क्स के आधार पर आपका एवरेज भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रोल नंबर टू वाले का हो जाएगा, तो जो भी टू वाले का मार्क्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर हो भी रहा है, आप देख भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे रोल नंबर थ्री कर देते हैं और भी इसमें मार्क्स फिट कर देते हैं जो भी मार्क्स रहे हों, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको क्लोज करना है, और क्लोज करके और तब इसको यस कर दीजिएगा, और अब इसमें रिलेशनशिप बिल्ड कराना है। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा, क्रिएट पे जाके, और फिर क्या करना है, देखिए दो तरीकों से रिलेशनशिप आप करा सकते हैं, क्रिएट पे जाके, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी विजर्ड पे जा सकते हैं, और यहाँ पे सिंपल क्वेरी विजर्ड लेकर के, और यहाँ से भी जा सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन वाली हमारी पहली टेबल थी जिससे हमें दोनों ही फील्ड चाहिए, फिर यहाँ स्टूडेंट आर वाली फील्ड थी जिससे हमें रोल नंबर चाहिए, और क्या चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। और यहाँ से यूनिट टेस्ट वन वाला है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल, एवरेज। तो यहाँ पे आकर के यहाँ से ओके करिएगा, और यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे ऐड टेबल पे जाकर के और इन तीनों टेबल्स को लेके आइएगा, ये पहला टेबल, ये दूसरा टेबल और ये तीसरा टेबल। अब ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, इस रजिस्ट्रेशन आईडी के ठीक सामने ले जाके रखिएगा और यहाँ से इन तीनों पे टिक कर दीजिएगा, तो ये जो है ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। अब इस रोल नंबर को इस रोल नंबर के ठीक सामने ले जाके रख दीजिएगा और इन तीनों पर टिक करके, और ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी, ये वन टू मेनी रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गया, और अब क्या करना है, अब इसका फायदा यह है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले टेबल पे जाएंगे तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन आईडी वन, जिसका कि क्लास 12 है, उस बच्चे का रोल नंबर वन है और उसका नाम राम है, और उसने जो मार्क्स गेन किए हैं वो टोटल और एवरेज भी आपको पता चलता रहेगा। तो ये फायदा है यहाँ पर, देख सकते हैं ना। अब इसके लिए आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, तो फॉर्म डिजाइन करना बड़ा आसान है। कैसे डिजाइन करेंगे, आइए दिखाता हूँ। पहले तो इसको सेव करते हैं क्रिएट पे जाकर के, और यहाँ से आप फॉर्म विजिट से जा सकते हैं, ठीक है, फॉर्म विजिट से जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक एक करके हमें सभी टेबल्स को लेना होगा, तो यहाँ पर पहला दूसरा ये ले लिया हमने, और दूसरे में क्या चाहिए, हमें रोल नंबर चाहिए और नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो ये ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तीसरे में क्या चाहिए, तीसरे में हमें यूनिट टेस्ट है, तीसरा वाला, तो यहाँ पर आकर के और यहाँ पर हम कर देते हैं कंप्यूटर, इंग्लिश और जो भी है यहाँ पर, ये सारी सब्जेक्ट को लेकर के, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टेबल को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से
मॉडिफाइड डिजाइन पे जाके क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आएगा। और अब इसको हम डिलीट कर देते हैं ऊपर ये, और अब आपका ये फॉर्म बन करके तैयार है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा और एक ही जगह नजर आएगा। और यहां से जब जाएंगे ना सेकंड वाले पे तो ये सेकंड वाला पूरा लिस्ट नजर आएगा, थर्ड वाले पे जाएंगे थर्ड वाला पूरा लिस्ट नजर आएगा, और इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए आप रिपोर्ट भी डिजाइन कर सकते हैं इजिली, ठीक है। रिपोर्ट डिजाइन करने के लिए आपको क्रिएट पे जाके और यहाँ से रिपोर्ट विजिट से जा सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।